नमस्कार साथियों, मैं हूं पी के साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम देखेंगे इस वीडियो में कट ऑफ गणित का। मैंने कट ऑफ निकाला है और आपको बताऊंगा किस टाइप का कट ऑफ निकला हुआ है। पूरे 5 संभाग का ईओटी हमने कट ऑफ निकाला, एक गणित का है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट विषय का, जैसे साइंस है, एग्रीकल्चर है, व्यायाम है ना, इंग्लिश, इसका भी निकालने का प्रयास करेंगे। यदि अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से कट ऑफ निकला हुआ है, आप सभी समझिएगा। देखो, यहाँ से शुरू करते हैं, रायपुर से दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, और ये हो गया आपका सरगुजा। तो यहाँ पर हम देखेंगे UR, ये वाला है मतलब अनारक्षित, ESC का है, ST का है, OBC का है, और ये PH का है। उसके बाद ये बताऊंगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साथियों, रायपुर ई में यदि हम UR मुक्त की बात करते हैं, और ये फीमेल है, ये मुक्त है। गणित में देखो, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक अनुमानित कट ऑफ बनाया था, मतलब एक PDF बनाया था, आपको याद होगा, बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है। मैंने उसका नमूना बनाया था, वही नमूना यहाँ पे सेम बना हुआ है। कट ऑफ आगे पीछे ज़रूर हुआ है, लेकिन मैंने जो नमूना बनाया था हूबहू उसी टाइप का बनाया गया है, ठीक है। तो रायपुर ई का हम देखते हैं, तो यहाँ पे मुक्त की बात करें तो मुक्त में 73.670 गया है। अब इसका रैंक, यहाँ रैंक देखिए, ये रैंक है 159 है। उसी प्रकार से फीमेल में बात करें तो 71.809 है, रैंक इसका 226 है। SC के मुक्त की बात करते हैं रायपुर ई में, तो 61.436 गया है, और उसका रैंक गया है 861। फीमेल की बात करते हैं तो 52.394 गया है, और इसका रैंक जो है 1820 है। अब उसके बाद देखते हैं ST का, तो ST का आप देखिए साथियों, 45.745 है, ऐसा ही 18। उसके बाद इसका रैंक गया है 2698। फीमेल की बात करते हैं तो 52.926 गया है, 1756 है इसका रैंक है, ठीक है। अब हम देखते हैं OBC का, तो OBC का रायपुर में देखते हैं 72.872 गया है, और इसका रैंक गया है 187। फीमेल की बात करते हैं 70.479 गया, रैंक गया है 273। PH की बात करते हैं तो 73.617 गया है, और 2930 इसका रैंक है। साथियों, ये EX का है, EX केवल रायपुर जोन में लिया गया है, 55.319 है, और 1487 इसका रैंक है। अब उसके बाद हम देखते हैं रायपुर टी की बात करते हैं, तो मुक्त की बात करते हैं, 69.149 गया है, और रैंक इसका 336 गया है। फीमेल की बात करते हैं तो 67.287 गया है, रैंक इसका 433 है। SC के मुक्त की बात करते हैं तो 56.383 गया है, 1369 उसका रैंक है। फीमेल की बात करते हैं 51.862 है, रैंक इसका 1878 है। ST का मुक्त में देखते हैं 31.915 है, इसका रैंक गया है 44,070 गया है। फीमेल की बात करते हैं 48.670, 2,259 गया है। अब OBC की देखते हैं मुक्त में 68.883, 345 इसका रैंक है। फीमेल की बात करते हैं 67.287, 442 इसका रैंक है। PH की बात करते हैं तो 44.223 है, इसका रैंक है 3203। अब आते हैं दुर्ग में देखिए 70.479 है, 272 इसका रैंक है मुक्त का। फीमेल की बात करते हैं 68.351 है, रैंक देखिए 366 है। SC की बात करते हैं 58.777 है, रैंक इसका 1126 है। फीमेल की बात करते हैं 51.330 है, 1949 इसका रैंक है। ST का देखते हैं 43.351 है, रैंक इसका 3002 है। अब फीमेल की बात करें तो 50 है यहाँ पे, रैंक इसका 2139 है।
अब मेल की बात, सॉरी ओबीसी का मुक्त की बात करते हैं तो 70.479 गया है, 272 इसका रैंक है। फीमेल की बात करते हैं 67.553 है, इसका रैंक है 422। ठीक है, अब इसमें पीएच देख सकते हैं 35.106 है और 3821 इसका रैंक है। टी की बात करते हैं जिसमें मुक्त है 68.085, अब इसका रैंक दिया है साथियों 385। ठीक है, अब फीमेल की बात करें 66.021 है, इसका रैंक है 457। एससी की बात करते हैं मुक्त में 55.851 है, इसका रैंक है 1432। फीमेल की बात करते हैं 51.064 है, रैंक इसका 2001 है। एसटी की बात करते हैं मुक्त में 28.989 है, 4214 है। फीमेल की बात करते हैं 43.617 है, 2961 इसका रैंक है। ओबीसी की बात करते हैं 67.819 है, रैंक इसका 403 है। फीमेल की बात करते हैं 66.489 है, रैंक इसका 480 है। और यहाँ पीएच की बात करते हैं साथियों 35.106 है, 2820 इसका रैंक है। अब देखते हैं दुर्ग टी की बात करते हैं, ये हो गया। बिलासपुर ई की बात करते हैं, बिलासपुर ई में मुक्त का देखिए 72.606 गया है और इसका रैंक जो है साथियों 201 है। अब यहाँ पर देखिए फीमेल की बात करते हैं अनारक्षित में तो 68.883 है, इसका रैंक है 350। उसके बाद देखिए एससी के मुक्त में देखिए 58.245 है, इसका रैंक है 1171। उसके बाद हम फीमेल की बात करते हैं तो 54.255 है, 1603 इसका रैंक है। एसटी मेल की बात, एसटी मुक्त की बात करते हैं 68.298 गया है और इसका रैंक गया है 3523। उसके बाद फीमेल का देखिए 40.957 है, इसका रैंक गया है 3261। 68.617 किसका है, ओबीसी मुक्त का है, 354 इसका रैंक बना हुआ है। फीमेल की बात करते हैं 67.01 गया है, 451 इसका रैंक है। अब देखते हैं पीएच का तो 54.255, 1593 इसका रैंक है। ठीक है ना, अब देखते हैं बिलासपुर टी की बात करते हैं, मुक्त में 66.755 है, 458 इसका रैंक है। अब फीमेल की बात करते हैं 65.426 है, इसका रैंक है 565। अब इसे एससी मुक्त की देखते हैं 52.128 है और इसका जो रैंक है साथियों 1846 है। फीमेल की बात करते हैं 48.936, 2256 यहाँ पर है। अब एसटी में आते हैं तो इसमें जो मुक्त है 8.245 है और 4661 इसका रैंक है। अब यहाँ पर देखिए, देखो ये जितना भी रैंक दिख रहा है ना, इसका ऑल ओवर रैंक है ना, कैटेगरी रैंक नहीं है। अब फीमेल की बात करते हैं 37.766 गया है, 3589 इसका रैंक है। अब ओबीसी मुक्त की बात करते हैं 66.489, 485 इसका रैंक है। और फीमेल की बात करें तो 64.894 इसका रैंक है, 604 ये पीएच का है। अब बस्तर ई में देखिए 77.128 और इसका रैंक देखिए सबसे अधिक, सबसे कम रैंक 80, सबसे मतलब हाई लेवल के लोग यहाँ गया है, यहीं का 80, बाकी में देख सकते हैं आप ज़्यादा गया है ना। तो ये हो गया, फीमेल नहीं है। एससी में 60.904 गया, 899 इसका रैंक है, फीमेल यहाँ पे नहीं है, है ना। एसटी यहाँ पे देखते हैं मुक्त में 38.032 गया है, 3566 इसका रैंक है। फीमेल की बात करें 43.617 है, इसका रैंक है 2953। ओबीसी की बात करते हैं 70.213 है, रैंक गया है 290, फीमेल यहाँ पे नहीं है। पीएच आप देख सकते हैं। अब आते हैं साथियों बस्तर की टी का, तो बस्तर के टी में जो नंबर गया है 64.628 गया है और रैंक गया है 613।
फीमेल की बात करें तो 63.03 दो गया 735 इसका रैंक है। ठीक, ये हो गया पूरा मुक्त का। अब आता है एससी का, तो यहाँ पे देखिए 51.330 है, 1947 इसका रैंक है। अब फीमेल की बात करें तो 47.340 है, 2504 इसका रैंक है। एसटी की देख लीजिए, मुक्त में 11.702 है, 4458 इसका रैंक है। फीमेल की बात करते हैं तो 1.064 गया है और 4663 इसका रैंक है। ओबीसी देखिए, मुक्त में 62.766 और 760 इसका रैंक है। फीमेल की बात करें तो 61.968 है और इसका रैंक है 811। ये पीएच का है। अब आता है सरगुजा। सरगुजा में आप देख सकते हैं जो अनरक्षित है उसका 71.543 गया है, रैंक है इसका 232। अब एससी की बात करते हैं तो 57.181 है ना, रैंक है 1261। यहाँ फीमेल नहीं है, यहाँ भी फीमेल नहीं है। एसटी में देखिए 35.904 है, इसका रैंक में निकालने के लिए भूल गया हूँ, अब निकाल के देख सकते हैं। एसटी का फीमेल देखिए 44.149 है, और ओबीसी देखिए 69.436 गया है, 865 इसका रैंक है। तो पीएच की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 50.266 और इसका रैंक है 2063। तो ये जो मैं रैंक इसलिए लिखा हूँ, कई लोगों का ये कहना है कि सर मेरा जो है मेरे से कम रैंक वालों का आ गया है, मेरा उससे अधिक रैंक है, मतलब उससे मेरा रैंक अच्छा है, फिर भी मेरा नाम नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रैंक बना हुआ। मैं नहीं बोलता कि मेरा परफेक्ट है, मैंने निकालने का प्रयास किया है, कहीं पे त्रुटि हो गया होगा तो स्वयं सुधार ले उसको। ये अंतिम मेरे द्वारा बनाया गया कोई कटअप नहीं है, मैंने केवल प्रयास किया है देखने का। अब अकेला रहोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि हो ही जाती है, तो कहीं भी आपको त्रुटि लग रही होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम सुधारने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो ये रहा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से संभाग में सबसे कम कट ऑफ कम गया है, है ना। तो यहाँ पे देखिए सरगुजा टी में 64 है ना, यहीं पे गया है, सरगुजा में ही सबसे कम रैंक गया है इसका। यहाँ पे देख सकते हो 62 गया है, कहीं पे 62 नहीं दिख रहा है, ये देखिए। उसके बाद एससी के देखिए 50 है, यहाँ पे देखिए यहीं पे गया है, है ना। उसके बाद एससी फीमेल का देखिए, तो ये यहाँ पे इसका भी रैंक मतलब कट ऑफ कम गया है। अब एसटी का हम देखते हैं, एसटी का यहाँ पे किस में, बिलासपुर टी में 8 नंबर तक गया है यहाँ पे, है ना। अब फीमेल का देखिए, फीमेल का तो एक यहीं पे रहेगा, आपके बस्तर टी में सबसे कम गया है। उसके बाद ओबीसी का देखते हैं, ओबीसी का देखिए ये 62.766 है, और यहाँ पे भी 62.766 है ना, एक एक जैसा है। और उसके बाद फीमेल का देखिए 61.968 है ना, यहाँ पे गया है सरगुजा टी में। तो इस प्रकार से कट ऑफ बना हुआ है। कट ऑफ जो है आपके वरीयता के आधार पे बने हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से लिस्ट निकाली गई है, मैंने बहुत सारा चेक किया है तो बहुत अच्छा लगा। एक फ़ायदा यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ईएक्स नहीं है, ईएक्स नहीं है तो उसका जो है मुक्त में कन्वर्ट हो चुका है ना, तो उसके आधार पर निकाली गई है। मतलब 10% जो ईएक्स को दिया जाता है वो मुक्त में कन्वर्ट होकर उसका पद निकाल दिया गया है, ये मैंने पूरा देख लिया। अब साथियों फाइनल कट ऑफ मतलब इसमें नीचे कितना कट ऑफ गया है, अब देखिए यहाँ पे देखिए अनरक्षित की बात करते हैं तो 64.096 अंतिम है, यहाँ तक गिरा हुआ है, जिसका रैंक है 642। कितना है 642, सबसे अधिक देखिए 642 सरगुजा में, मतलब यहाँ तक गिर चुका है। अब आएगा ना अनरक्षित का मुक्त में आएगा तो 643 से शुरू होगा, 643 से शुरू होगा, इधर नहीं आएगा, 643 तक पूरा 42 तक पूरा हो चुका है। अब फीमेल की बात करते हैं तो 741 तक अब शुरू होगा, तो 742 से शुरू होगा,
जहाँ कहीं भी आएगा तो 742 से शुरू होगा। एससी की बात करते हैं मुक्त में तो 2044 हो चुका है, तो 2045 से शुरू होगा नेक्स्ट लिस्ट में। और फीमेल की बात करते हैं 2659 है, तो 2660 से शुरू होगा नेक्स्ट लिस्ट में, ठीक है। अब उसके बाद एसटी की बात करते हैं तो 4661 है, तो 4662 से शुरू होगा, मतलब इतना कट ऑफ गिरा है। देखो 8 यहाँ 50, ये 62, 50, 46, 8 यहाँ पे 1, तो अब मेरे ख्याल से इससे कम रैंक वाला नहीं होगा, तो एसटी का नहीं मिल रहा होगा, इसलिए पद कम हुआ होगा, पोस्ट के बराबर नहीं बुलाया गया होगा, ठीक है। ओबीसी देखिए साथियों 62.766 तक गिरा हुआ है और इसका रैंक है 760, अब आएगी तो 761 से शुरू होगा, मतलब 761 का तो होना तय है, मतलब कट ऑफ बताऊँगा बाद में भी, है ना। और फीमेल का देखिए 61.436, 865 कहीं पे है, ये देखिए 865 सरगुजा ई, ठीक है ना, यहाँ पे इसका गिरा हुआ है, तो जब भी इसका आएगा तो 866 से शुरू होगा ओबीसी का। अब कहाँ आएगा उसकी, अब ये समझ लीजिए जी, 866 मतलब ये जो दिख रहा है एक एक के बाद, उसका जो पहला प्राथमिकता दिया होगा, चाहे वो रायपुर दिया हो, दुर्ग दिया हो, बिलासपुर दिया हो, बस्तर, जो पहला प्राथमिकता दिया होगा, अब देख सकते हो इसके बाद जो दे सकते हो साथियों कि 643 वाले कहाँ दिया है अपने रैंक, अब देख सकते हो फर्स्ट जो फर्स्ट दिया होगा वहाँ इसका नाम आने वाला है, बाकी इसके बाद का रैंक जो फर्स्ट नंबर में जिसको भी दिया होगा वहाँ आने वाला इसका नाम है। देखो अब ये 642 जो है कहाँ पे गिरा है, 865 कहाँ पे गिरा है, सरगुजा में गिरा, लेकिन 866 वाला अगर रायपुर में भी दिया होगा तो रायपुर में उसका नाम आने वाला है ना। यहीं पे सबको परेशानी था कि हमारा इतना अच्छा रैंक होने के बावजूद हम बाकी हमसे नीचे रैंक वाले इधर आ जाएंगे, तो देखते हैं इसका कुछ निराकरण निकालते हैं कि क्या करते हैं, है ना। अब मैं बता तो नहीं सकता लेकिन होगा तो ऐसे ही होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और बताइएगा, मैं नेक्स्ट में जल्दी जल्दी मैं कटअप बनाऊँगा और निकालूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।